साथियों, 90 के दशक में बिहार के लोगों ने यहां के लोगों का कितना अहित किया गया, बिहार को अराजकता और अव्यवस्था के किस दल दल में धकेल दिया, ये आप में से अधिकांश ने अनुभव किया है। आज भी बिहार की अनेक समस्याओं की जड़ में 90 के दशक की अव्यवस्था है, कुशासन है। यहां अनेक युवा साथी हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं या जिनका जन्म नई सदी में हुआ है। आपको अंदाजा नहीं है कि बिहार ने कितना लंबा रास्ता तय किया है। आज आप एक नए बिहार को बनते देख रहे हैं, बिहार में नई व्यवस्थाओं को बनते देख रहे हैं। लेकिन एक समय था जब बिहार में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये वो दौर था जब रेलवे स्टेशन पर रात में उतरने के बाद लोग सुबह होने तक अपने घर नहीं जाते थे, सारी सारी रात स्टेशन में ही बैठे रहते थे। ये वो दौर था जब लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे ताकि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी कमाई का पता न चल जाए। ये वो दौर था जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते वक्त ये पक्का नहीं रहता था कि उसी शहर पहुंचेंगे या बीच में ही किडनैप हो जाएंगे। ये वो दौर था जब बिजली संपन्न परिवारों के घरों में होती थी गरीब का घर दिए और ढीबरी के भरोसे रहता था। आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। आज बिहार के हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन है, उजाला है। साथियों, एक वो दौर था जब बिहार के गांव में सड़कों से जाना एक सपना होता था। बड़ी बड़ी गाड़ियों का अंजर पंजर हिल जाता था, किसी गांव तक पहुंचने तक एक आज का समय है जब बिहार का करीब करीब हर गांव सड़क से जुड़ गया है। पीएम सड़क योजना के तहत लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सड़कें बिहार के गांवों में बनाई गई है।